वो तक वहीं पर रहा। हर साल एडमिशन का पैसा आप क्यों लीजिएगा? एक बार एडमिशन ले लिया, लेकिन हर साल एडमिशन का पैसा, हर साल फीस बढ़ेगा, हर साल बिल्डिंग फंड, हर साल पुपिल फंड और तरह तरह का जो फंड होता है वो क्रिएट करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से मैं अजय राज जी को धन्यवाद देता हूँ, झारखंड पेरेंट एसोसिएशन को, कि कम से कम इनके नेतृत्व में आवाज़ उठ रही है। लेकिन कुल मिलाकर सरकार को कड़ी नीति भी बनानी होगी, और सिर्फ नीति नहीं बनानी होगी बल्कि प्राइवेट स्कूलों के साथ कड़ाई से पेश आने की भी ज़रूरत है, अन्यथा ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहेगी और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी भी चलती रहेगी। सरकार इस पर ध्यान दे और जनता के हित में ये निर्णय ले ताकि जनता को राहत मिल सके। भावकों की पीड़ा है जो हम अपने जनप्रतिनिधि के सामने लेकर के आए हैं, और अपने जनप्रतिनिधि को उन भावनाओं से हम अवगत कराना चाहते हैं ताकि जो जिन जनप्रतिनिधि को हम लोग को चुन करके चाहे असेंबली भेजते हो या पार्लियामेंट भेजते हो, कम से कम उनका भी दायित्व तो बन जाता है कि कम से कम ऐसे समय में अपनी जनता की आवाज़ बने वो। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम लोग गुहार लगाने, क्योंकि आज तीसरा बार है, 3 दिन हम लोग का कार्यक्रम आज होने जा रहा है, 7 दिन तक लगातार ये चलेगा, और इस तरीके से एक एक जनप्रतिनिधि के पास जाकर के, राज्य सरकार के मंत्री के पास जाकर के हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम हमारी भी बातें वो सुने। एक अभिभावक की जो पीड़ा है, अभी पैंडेमिक में जिस तरीके से लोग बेरोजगार हो गए हैं, उन बेरोजगारी के हालात भी वो देखे। आज देख रहे हैं कि बड़े बड़े संस्थान बंद हो रहे हैं, उन परिस्थितियों में जो आम जनता जो प्राइवेट पहले जो जॉब करती थी, जो पहले काम करते थे, जहाँ पे पहले वो दुकान लगाते थे, वो सारी चीज़ आज बंद हो गए हैं इस कोरोना के काल में। तो इन परिस्थितियों में अपने बच्चों का फीस कैसे भरे, और ऐसे में जो स्कूल, जो उनके पास पूरे संसाधन है लेकिन उनको लगता है कि आज हर एक पेरेंट्स का वो सिरिंज से खून निकाल लें, और यही काम कर रहे हैं कि ट्यूशन फीस के अलावा वो मिसलेनियस चार्ज, डेवलपमेंट फंड, एनुअल चार्ज, स्मार्ट क्लास, मतलब इस तरह के कई तरह के फंड, सिक्योरिटी गार्ड, मेडिकल, मतलब बच्चा हमारा घर पे है और मेडिकल सुविधा का शुल्क जो है हमें स्कूल में जमा करना पड़ा। तो सोचिए इस तरह से अलग अलग शुल्क लेकर के ये सीधा अभिभावकों का दोहन कर रहे हैं, और इस दोहन के खिलाफ झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन अभी खड़ा हुआ है, और हर जिले में, राज्य के हर जिले में इस तरह के कार्यक्रम हम लोग चल रहे हैं। उस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग उपायुक्त से लेकर के और जनप्रतिनिधियों तक अपनी गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम हमारी बातें सुने सरकार, और हेमंत सोरेन जी से, क्योंकि वो राज्य के मुखिया हैं, उनसे आप लोग के माध्यम से हम आग्रह करना चाहेंगे कि हेमंत जी कम से कम अपनी जनता की पीड़ा को समझिए, सुनिए। इस डिजास्टर में आपका जो आपदा प्रबंधन है, कम से कम वो थोड़ा एक्टिवली काम करे, और जहां पर जिनकी पीड़ा है उस पीड़ा को दूर करने का प्रयास करे, तभी जनता आपको अपना मुख्यमंत्री मानेगी, अपना मुखिया मानेगी, अन्यथा जनता को नकारते भी देर नहीं लगती, और समय आने पर फिर जनता इसका जवाब भी देगी। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।